परम ऐश्वर्य और उनकी विभूतियों का वर्णन करके बुद्धि योग को पाने के उपाय बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पुनः कहा, हे अर्जुन, तुम अब सुनो गूढ़ ज्ञान की बात। प्रसन्न हो, हित कामना कहता हूँ मैं तात। देवर्षि नहीं जानते मम लीला उत्पत्ति भेद। सुर मुनि सकल श्रेष्ठ का आदि कहे मुए वेद। जो मुझको है जानता अज अनादि भगवान, सकल पाप से छूटता बनता पुरुष महान। बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य तन मन की जीत। जन्म मरण सुख दुख अभय या फिर भय की रीत। यश अपयश और दान तप तुष्टि अहिंसा तोष, सकल भूत में पनपते मुझसे पापरिपोष। सप्त ऋषि मनुवादि की उत्पत्ति मुझसे जान। इनके द्वारा आदि में सिर जा सकल जहां। शरीर विभूति मम योग शक्ति जिन जान। सो जन निश्चल भक्ति पा भव से तरा सुजान। मुझसे ही सब होत है चले सकल जग का। ऐसा सब कुछ जान कर भजे सदा मम नाम। परम ब्रह्म अथवा परमेश्वर के बारे में अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने भगवान श्री कृष्ण से उनके ऐश्वर्य, उनकी विभूतियों और उनके प्रभाव को जानने के उद्देश्य से पूछा। परम ब्रह्म तुम परम धाम, पवित्र परम महान। आदि देव तुम अज विभो, शाश्वत
शत पुरुष महान। नारद असित व्यास अरुदेवल की आप गुणगान, स्वयं आप भी कह रहे मुझको सब कुछ जान। कहा प्रभु मेरे हित सच मानू सभी लीला समझ न पात। खुद ही खुद को जानते हे पुरुषोत्तम नाथ, हे भूतेश्वर जगतपति तुमको नाऊ मात। अपने इस ऐश्वर्य को सकल कहो समझाए, समस्त लोक धारण करे जिन विभूति बल पाए। सतत याद करता रहूं नहीं भूलू पल एक, किन किन भावों में सदा प्रभु के देखूं रूप अनेक। विस्तार से निज शक्ति फैलाव, नहीं तृप्त मन होत है वचनामृत सैला। श्री हरि ने अर्जुन के प्रश्नों को मान दिया और उसे अपने ऐश्वर्य और अपनी विभूतियों के संबंध में विस्तार से बताते हुए कहा, हे पार्थ तुमसे कहूं स्वविभूति विस्तार, प्रमुख प्रमुख सुन लीजिए नहीं अंत निस्तार। हर प्राणी के हृदय में मेरा आत्मा रूप निवास, आदि अंत अर मध्य सब मैं ही करत प्रकाश। अदिति सुतों में विष्णु में ज्योति मध्य रवि रूप, तेज पवन मरीच में नक्षत्रों में शशि रूप। वेदन कहियो देवो में सुर भूप, मन बन इंद्रिन में वसु प्राणिन चेतन रूप। शिव एकादश रुद्र विच यज्ञ रक्षको बेर, अष्टवसुन में अग्नि में पर्वत माहि सुमेर। समझ वाणी में ओम जान, यज्ञों में जब यज्ञ में अचल हिमालय जान। सरोवर पीपल वृक्ष में देवर्षि में नारद रूप, गंधर्वों में चित्ररथ सिद्ध कपिल मुनि रूप। सकल गजन ऐरावत राजा नर में जान। धेनुन में हूँ काम धेनु शस्त्रन वज्र कहाऊं, सर्पों में मैं वासुकी जग उत्पत्ति काम कहाऊं। नाग
शोषण का पशु में मृग राज में पक्षिन बनिता लाल शस्त्र धार्य में राम हो वायु पावन कार मत्स्यों में मैं मगर हूँ नदियन गंगा धार का आदि में मध्य अंत भी जा शास्त्रार्थों में वाद में ब्रह्म विद्या में ज्ञान हर प्राणी के हृदय में परमात्मा साक्षी के रूप में बसा हुआ है। जीव जो कुछ भी करता है या सोचता है वो सब कुछ परमात्मा देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। सृष्टि में जो कुछ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है वो सब श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। सब श्री कृष्ण में है और सब में श्री कृष्ण है। समासों में द्वंद में अक्षर बीच अकार मैं ही अक्षय काल सबका धाता पालनहार सबकी नाशक मृत्यु में हूँ भविष्य का ज्ञान श्री कीर्ति वाणी स्मृति मिथा धृति क्षमा स्त्रीन विच जहान श्रुतियों में बृहत साम हो छंदों में गायत्री जहान महीनों में अगहन समझ ऋतु बीच वसंत महान कपट खेल में द्योत में तेजस विका तेज महान मैं ही जय हूँ मैं ही निश्चय हूँ सतपुरुष के सज्जन तमाम वृष्णि वंशियों में वासुदेव पांडव में अर्जुन जान सकल मुनिन में व्यास देव विदुषों में शुक्राचार्य दमन कर्ताओं की दंड नीति जय छुओं की शुभ नीति ज्ञानवान का ज्ञान हो उत्तम गुप्त चरों की मौन रीति सकल भूत की उत्पत्ति कारण मुझको ही तू जान चर और अचर सकल व्यापक में यही रही मेरी पहचान मेरी दिव्य विभूति का नहीं मिलेगा छोर यह तो सब संक्षेप कहा है अंत न पावे मोर जो जो भी इस जगत में श्री विभूति ऐश्वर्य मेरा ही वह अंश सब समझ इसे धर धर्य बहुत कहन कुछ लाभ नहीं अर्जुन यह पर्याप्त सकल जगत धारण करो एक अंश कर व्याप्त